Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ remaining question from the unit one वो discuss करने वाली हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं already आपके साथ syllabus exam pattern और unit one का question number one discuss कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक वो videos नहीं देखी हैं, उनके लिए playlist का link जो है मैंने description में दे दिया है। Uh, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज आप उसको लाइन वाइज देखना अदरवाइज जो है आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन से uh, जो क्वेश्चन हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट है सो प्लीज़ so, पहले सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखना उसके बाद जो यूनिट वाइज मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ आप उस तरीके से करना नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आट टॉपिक सो क्वेश्चन नंबर टू क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रिंसिपल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अशोका धामा जो अशोका किंग थे उनकी एक पॉलिसी थी धामा अब उनके सिद्धांत और क्या इम्पॉर्टेंस थी उस पॉलिसी की इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये डिस्कस करना है तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है धामा इज टेकन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विच मीन्स धर्म ये जो वर्ड है धामा ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है धर्म द टर्म धर्म कैन बी ट्रांसलेटेड एज पिटी डूटी राइटनेस एंड रिलिजन जब हम धर्म वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं और इसका मतलब क्या आता है पीटी यानी दया ड्यूटी राइटनेस क्या सही है क्या नहीं रिलीजन यानी धर्म तो ये इसके ट्रांसलेशन जब हम करते हैं ये मीनिंग्स आते हैं डिफरेंट एज फार एज अशोकाज पॉलिसी ऑफ धामा इज कंसर्न इट एम्ड एट प्रमोटिंग मॉरल एंड सोशल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल तो जहाँ तक अशोका की ये जो पॉलिसी थामा है उसमें ये बात कही गई है कि लोगों में जागरूकता लाना क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है तो ये जो कॉन्शियसनेस है वो लोगों में होनी चाहिए नाउ लेट्स डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका स्थामा अब ये जो अशोका की पॉलिसी है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स गिवन है सो so, सबसे पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स कि हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसके अलावा वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन वन ऑफ़ द कास्ट जेंडर क्रीड एंड रिलिजन हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो किसी भी जाति का हो जेंडर का हो जनजाति का हो या किसी भी धर्म का हो सेकंड पॉइंट लव फॉर द यंग वंस जस्ट एज द यंगस्टर्स शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे द एल्डर्स इन द सेम वे एल्डर्स शुड ट्रीट द यंगस्टर्स काइंडली जिस तरीके से यंगस्टर्स रिस्पेक्ट करते हैं एल्डर्स की उसी तरीके से जो एल्डर्स होते हैं उनको भी यंगस्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनका व्यू पॉइंट जो है वो अच्छे से सुनना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रूथ द पीपल वर एडवाइज टू फॉलो ट्रूथ लॉयलिटी प्योरिटी इन देर पर्सनल लाइफ्स तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि लोगों को सच बोलना चाहिए और हमेशा लॉयल वफ़ादार होना चाहिए और सिम्पल एंड प्योर लाइफ जीनी चाहिए फोर्थ पॉइंट नॉन वोलेंस इट वॉज़ अंगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर एनी पर्पज़ अशोका की जो पॉलिसी है उसमें चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए चाहे आप हवन uh, कर रहे हो या आप कोई सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी भी पर्पज़ के लिए उन्होंने एनिमल्स को किल करने के लिए मना किया गया है नॉन इंजरी टू ऑल क्रिएचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ लिविंग बीन्स विद काइंडनेस तो उन्होंने बोला है कि हमें सारे जो क्रिएचर्स हैं उनको हार्म नहीं करना है उनको काइंडनेस प्यार से ट्रीट करना है उनकी मदद करनी है जितने भी क्रिएचर्स हैं फिफ्थ पॉइंट है एबस्टेशन फ्रॉम सिन किसी भी तरीके का पाप करने से उन्होंने मना किया है इट एडवाइज पीपल टू लिव ऑल सिनफुल पैशंस लाइक क्रुआलिटी एंगर प्राइड एंड लेड अ पायस लाइफ गुस्सा अहंकार स्वाभिमान क्रूरता ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने त्यागने के लिए बोला है और एक सिंपल प्योर लाइफ जीने के लिए बोला है अशोका की पॉलिसी के अंदर सिक्स पॉइंट है अगेंस्ट रिचुअलिज्म कि जो ये हम रीति रिवाज करते हैं उस चीज़ के लिए भी उन्होंने बोला है इट एडवाइज पीपल टू शन रिचुअलिज्म क्रिटिसाइज सेरेमनीस परफॉर्म ड्यूरिंग इलनेस एट द बर्थ और मैरिज ऑफ अ चाइल्ड कि ये जो हम रीति रिवाज करते हैं इसको हमें छोड़ना चाहिए ये सारी चीज़ें जो है हमें सोसाइटी के लिए गलत नज़रिया जो है पेश करती हैं जैसे कि हम लोग रिचुअल्स uh, परफॉर्म करते हैं जब हम बीमार होते हैं बर्थ के टाइम पे डेथ के टाइम पे या फिर मैरिजेज़ होती हैं बच्चों की तब करवाए जाते हैं तो ये सारे जो रीति रिवाज होते हैं ये फॉल्स हैं गलत हैं सेवेंथ पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट लेड इम्फोसिस ऑन पाथ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ़ एनालिसिस टू नो दैट वॉट एवर द डू इज़ गुड और बैड कि अपने uh, जो जर्नी है उसको चेक करना और पता लगाना कि हमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है और जो भी काम हमने किए हैं क्या वो सही थे या फिर गलत और उसको सोच समझ कर आगे के लिए प्लान करना ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी ऐसा प्लान करते हैं तो हम गलती ना करें जो हमने पीछे पास्ट में की थी तो सेल्फ असेसमेंट से इंसान जो है अपने लिए भी बेहतर होगा और सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएगा एथ पॉइंट इट ऑल्सो प्री चैरिटी कि हमें जो है दान करना चाहिए लोगों की मदद करनी चाहिए जितना ज्यादा हो सकेट डिस्कस अशोक की पॉलिसी है धामा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है धामा वॉज अशोका अटेम्प टू एस्टेब्लिश अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज फॉर द मॉर्न एम्पायर सो दैट वेरियस कल्चर एंड रिलिजन कुड को एग्जिस्ट इन पीस एंड हार्मनी कि जो अशोका का एम्पायर था उसके अंदर सारे धर्मों के लोग आराम से शांति से एक दूसरे की मदद कर कर रह सकें क्योंकि देखो इसके अंदर सारे ही प्लस पॉइंट्स है कि हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी को भी फोर्सफुली अपना रिलिजन चेंज करने के लिए नहीं बोला है तो यहाँ से जो मॉर्न एम्पायर है वो काफ़ी टाइम तक प्रॉस्पेरस रहा डेवलप किया इन्हीं पॉलिसीज़ के कारण अशोका जो थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग बने हैं इंडियन हिस्ट्री के क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लोगों के लिए वेलफेयर पॉलिसीज निकाली थी आज तक अशोका का नाम जो है वन ऑफ द बेस्ट किंग्स में माना जाता है इन ऑर्डर टू अचीव हार्मनी अशोका प्लेडिड फॉर टॉलरेंस ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट कि यहाँ पर हार्मनी बनाए रखने के लिए शांति बनाए रखने के लिए अशोका ने जितने भी रिलीजियस संस्थाएं थीं जो गुरु थे उन सबसे बोला है कि आपको दूसरे धर्मों के प्रति जो है वो पेशेंस रहना है आपको उनकी मदद करनी है लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं धामा महामात्रास वर अपॉइंटेड बाय अशोका टू तो टीच द पीपल अबाउट धामा अशोका ने टीचर्स भी अपॉइंट किए थे और उनका नाम रखा धामा महामात्रास ताकि वो जो ये पॉलिसी है धामा की वो लोगों तक पहुंचा सकें दे वर ईवन सेंट टू अदर कंट्रीज़ टू प्रोपेगेट द धामा इवन धामा महामात्रास को उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में भी भेजा था ताकि वो जो ये पॉलिसी है वहाँ पर भी स्प्रेड कर सकें अब यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं रिलीजियस यूनिटी जो धार्मिक अलग अलग लोग थे कल्चर के वो सारे यूनाइट हो गए सेकंड मॉरल वैल्यूज़ क्या सही है क्या गलत है वो लोगों को अच्छे से पता चलना शुरू हो गया एंड ऑफ क्राइम क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया था पब्लिक वेलफेयर लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली थी अशोका ने फोर्थ पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीज़ जो क्लैशेस थे लड़ाई झगड़े थे लोगों के वो कम हो गए नेक्स्ट पॉइंट इनएप्रोप्रिएट रिचुअल्स वर डिसक्रेज जो बिना मतलब के जो ब्राह्मण्स थे रिचुअल्स करवाया करते थे जो गलत थे जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे थे वो सारे के सारे रीति रिवाज जो थे वो लोगों ने अपने आप ही धीरे कर दिए कम कर दिए करना ट्रूथफुलनेस प्रैक्टिस लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने शुरू हो गए वफ़ादार हो गए सिंपल और प्योर लाइफ उन्होंने जीना स्टार्ट कर दिया एंड में कॉन्क्लूजन एंड कॉन्क्लूजन लिखना इज़ मस्ट इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा फोर टू फाइव लाइन्स आपने लिखनी है कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स आप लिख सकते हो अगर आपको वहाँ पर लिखनी है आपने लर्न नहीं की हुई है इन केस मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख भी दी हैं आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो कि अशोका सबसे बेस्ट किंग थे उन्होंने लोगों के लिए वेलफेयर पब्लिक प्रोग्राम्स निकाले थे और जो अपनी पॉलिसी है धामा वो लोगों तक पहुँचाई है धामा के थ्रू लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है लोगों की रिस्पेक्ट करनी शुरू की लोग जो थे वो रिलीजियस यूनिटी लोगों ने मेंटेन की तो यहाँ से इस आंसर से हमें ये कॉन्क्लूजन मिलता है कि जो अशोका की पॉलिसी थी वो काफ़ी हद तक जो थी सोसाइटी को डेवलप करवाने में और प्रॉस्प्रेस करवाने में उस पॉलिसी ने मदद किया वन मोटिवेशन लाइन फॉर ऑल ऑफ़ यू ये जो लाइंस होते हैं ये हर किसी को बहुत मोटिवेट करती हैं और इस लाइंस की वजह से कब किसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाए किसी को नहीं पता है और मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन लाइंस में और दिस वन इज़ माय फेवरेट वन हर सुबह आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं पहला कि आप सोते रहो और अपने सपने लेते रहो और अपना जो आ, सपना है उसको कॉन्टिन्यू रखो सेकेंड आप उठो पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करो और उस सपने को पूरा करो देखो सपने तो सब देखते हैं बट तो उसको पूरा जो है कोई कर पाता है थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट वन क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कनिष्काज रूल ऑन पंजाब तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्नस एम्पायर द कुशांस एस्टैब्लिश अ पावरफुल एम्पायर ऑन द होल ऑफ़ नॉर्थ इंडिया एंड आ ऑल्सो ऑन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे ही जो मॉरन एम्पायर है जो सौ सालों तक इंडिया पर जिन्होंने राज किया वो टूट गया या डिस इंटीग्रेट हो गया कोई पावरफुल रूलर उनका नहीं बचा तो फिर दूसरे जो एम्पायर जिन्होंने बनाया वो थे कुशांस उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया और कुछ जो हिस्से हैं भारत के और भी वहाँ पर अपना एम्पायर जो था उसको इस्टेब्लिश किया देवर ऑफ़ फॉरन औरिजिन अगर उनकी बात करें वो भारत के ओरिजिनल ही नहीं थे वो फॉरनर्स थे येट दे लेफ्ट देर इम्पैक्ट ऑन द पोलिटिकल सोशल रिलीजियस इकनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल फिर भी उन्होंने भारत के जो राजनीतिक है सामाजिक है धार्मिक चीज़ों पर बहुत असर डाला है हमने वही यहाँ पर रीड करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो कनिष्का एम्पायर था उसका क्या असर पड़ा है सोसाइटी पर नाउ लेट्स डिस्कस ग्रोथ एंड एक्सटेंट ऑफ कौशान एम्पायर अंडर कनिष्का जब एम्पायर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूलर्स रूल rule करते हैं एक ही राजवंश के या एक ही फैमिली के तो जब यहाँ पर कनिष्का जो रूलर थे वो रूल कर रहे थे तो उनके एम्पायर के अंदर कौन कौन से एरियाज़ थे वो हमने यहाँ पर देखना है कनिष्का वॉज अ ग्रेट कॉन्करर कि उन्होंने बहुत सारी जमीनें जो थी, वो वॉर्स में जीती थी वेन ही असेंटेड द थॉन इन 78 एट ए डी उन्होंने जब राजगद्दी संभाली थी सेवेंटी एन एडी में उस टाइम पर उनके एम्पायर में अफ़गानिस्तान पंजाब और कुछ हिस्सा जो था वो सिंध का भी आता था जो पाकिस्तान के पास का एरिया है ही स्पेंट मोस्ट ऑफ इस टाइम इन वॉर्स ज़्यादातर कनिष्का ने वॉर्स ही लड़ी हैं ज़्यादातर उनका टाइम इसी चीज़ में जाता था ही कॉन्कर्ड मेनी प्लेस एंड एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ इस एम्पायर उन्होंने बहुत सारी जो हैं अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं बढ़ा है बढ़ाई हैं वॉर्स जीत जीत कर उन्होंने बहुत सारे जो छोटे छोटे एम्पायर्स या किंगडम्स थे अपने एम्पायर के अंदर उन्होंने एक आ, हासिल किए हैं नाउ लेट सी वन बाय वन की कनिष्का ने कौन कौन से जो एरियाज़ हैं कैसे जीते हैं तो सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट ऑफ़ कश्मीर जो कनिष्का की सबसे पहला conquest था जो जमीन उन्होंने हासिल की थी वो कश्मीर ही थी दिस इज़ एविडेंट from द राज तरंगनी एंड फ्राम बुद्धिस टेक्स्ट की जो uh, एक बुक थी राज तरंगनी जो उस टाइम पर लिखी गई थी और कुछ बुद्धिस्ट किताबें थी उसमें भी इस चीज़ का रेफरेंस दिया गया है कि कनिष्का ने सबसे पहली जो जमीन हासिल की थी वो कश्मीर की थी ही हैड अ ग्रेट लव फॉर कश्मीर एंड टीज बिलीव डेट ही विल टू बी बरीड हेयर उनका कश्मीर को लेकर एक अलग ही कनेक्शन था तो उन्होंने ये बोला था मेरे मरने के बाद जो मेरी डेड बॉडी है वो कश्मीर में दफनाई जाए ही फाउंडेड अ टाउन नोन एज़ कनिश्कपुर इन कश्मीर तो उन्होंने एक छोटा सा टाउन भी वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था कनिशपुरा कश्मीर के अंदर सेकेंड पॉइंट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मगध तो मगध जो था उनकी दूसरी इम्पोर्टेंट किंगडम मानी जाती थी जो उन्होंने हासिल की थी बहुत सारे क्विंस जो हैं कनिष्का के हमें यहाँ पे पाटलिपुत्र और वैशाली जो वहाँ की जगहें हैं वहाँ से मिले हैं आफ्टर द कैप्चर ऑफ पाटलिपुत्र अश्वघोषा द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्ग एक्टेड एज अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द फोर्थ बुद्धि बुद्धिस्ट काउंसिल अब यहाँ पर जब इन्होंने ये जगहें कैप्चर की पाटलिपुत्र वैशाली मगध तो यहाँ पर बहुत ही एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे अश्वघोषा उन्होंने उनको भी अपने साथ रख लिया था अपने कोर्ट में और बाद में जाकर उन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो थे एक काउंसिल करवाई थी बुद्धिस्ट की कश्मीर के अंदर वहाँ पे उन्होंने पार्ट लिया था और उन्होंने बहुत ही फेमस अश्वघोषा ने एक बहुत फ़ेमस बुक भी लिखी थी बुद्धा चरिता तो यानी कि जब वो कॉन्क्वेस्ट करते थे ज़मीन ही नहीं वहाँ की सारी प्रॉपर्टी रिसोर्स और जो लोग होते थे उनको भी जो वह वो लोग जो है अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लेते थे थर्ड पॉइंट है इन्वेजन ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा सम ऑफ द कोइन्स ऑफ़ कनिश्का एंड इन सक्सेसर्स वर फाउंड हेयर एंड दीज कॉइंस प्रूव दैट बंगाल एंड उड़ीसा वर इन्वेडेड बाय कनिष्का तो हमें बहुत सारे सिक्के जो हैं कनिश्का एम्पायर के और उसके आने वाले बाद भी जो रूलर्स थे तो उनके एम्पायर के ना हमें सिक्के जो है बंगाल और उड़ीसा में मिले हैं तो यहाँ से ये एविडेंस मिलता है कि कनिष्का का जो एम्पायर था वो बंगाल और उड़ीसा में भी था फोर्थ पॉइंट ऑफ वॉर विथ चाइना आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया कनिश्का टर्न इज अटेंशन टू वर्ड्स चाइना कनिश्का सेंट इज़ एम्बेसिडर्स टू द कोर्ट ऑफ चाइनीज एम्पर टू सीक दैंड ऑफ द चाइनीज प्रिंसेस तो यहाँ पर जब उन्होंने नॉर्थ इंडिया पूरा कैप्चर कर लिया उसके बाद कनिष्का जो है वो चाइना की तरफ मूव किए और उन्होंने अपने एक एम्बेसडर यानी आप कमिश्नर मान सकते हो अपने कमिश्नर को चाइनीज एम्पर के पास भेजा ताकि वो चाइनीज प्रिंसेस का हाथ मांग सके तो बेसिकली उन्होंने मैरिज का ऑफर uh, जो था वहां पर भेजा था प्रपोजल द चाइनीज किंग कंसिडर दिस एज एन इंसल्ट एंड थ्रू द एम्बेसडर ऑफ कनिष्का इन प्रिजन और चाइनीज किंग को ये इंसल्ट की तरह लगा और उन्होंने उनके एम्बेसडर को उठा के जेल में डाल दिया कनिष्का लॉन्च अ मैसिव अटैक ऑन द चाइना एंड टुक अवे द प्रोविंस कनिष्का को जब ये चीज़ का पता लगा कि उनके एम्बेसडर को जेल में डाल दिया गया तो कनिष्का ने एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया चाइना पर और काफ़ी सारे जो प्रोविंसेस यानी एरियाज़ थे चाइना के वो उनसे छीन लिए इट वाज दी ग्रेटेस्ट ट्रिम्फ ऑफ द कनिष्का ये बहुत बड़ी जीत थी कनिष्का की जिसमें उन्होंने चाइना को जीता था नाउ लेट्स की इम्पैक्ट ऑफ कनिष्काज़ रूल ऑन पंजाब की जो कनिष्का का रूल था उसका क्या असर पड़ा पंजाब पर तो पहले देखेंगे पोलिटिकल इम्पैक्ट यानी राजनीतिक असर क्या था सबसे पहला पॉइंट है यूनिटी इन इंडिया इंडिया जो था ना काफ़ी हद तक इससे पहले डिवाइड हो चुका था कि मॉरन एम्पायर था उसने पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया बट धीरे धीरे ऐसे रूलर्स आए जो पूरे एम्पायर को संभाल ना सके और वो छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं उसमें इंडिया डिवाइड हो गया बट जैसे ही कन, कनिष्का रूल करने आए तो उन्होंने पूरे इंडिया को दोबारा से यूनाइट कर दिया तो इंडिया वाज डिवाइडेड इंड टू मैनी पार्ट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मॉर्न एम्पायर द कुशान रूलर्स कॉन्कर्ड अ लार्ज चंक ऑफ इंडियन टेरिटरीज एंड गिव पॉलिटिकल यूनिटी टू द कंट्री तो इसी तरीके से जब वो डिवाइडेड था उन्होंने एक एक करके सारे एरियाज़ हासिल किए और पूरा जो है एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया सेकेंड पॉइंट वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कनिष्का का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था काम करने का तरीका था वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था तरीके से वो लोग काम करते थे प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता था स्किलफुल एंड सिस्टमेटिक देवर नो रिवॉल्वस इन एनी पार्ट ऑफ द एनी पार्ट ऑफ इंडिया बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग से सोच समझ के कनिष्का जो थे वो रूल्स निकालते थे इसी लिए उस टाइम पर कनिष्का के खिलाफ कोई इतने रिवोल्ट्स नहीं होते थे और पीस जो था वो इस्टेब्लिश था लोग इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे दे हैड डिवाइडेड देयर आर एम्पायर इन टू मैनी यूनिट्स अब उसको प्रॉपर चलाने के लिए उन्होंने क्या किया उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने एम्पायर को जैसे आज इंडिया है तो उसमें स्टेट्स हैं यूटीज़ हैं ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके तो वैसे ही कनिष्का ने उस टाइम पर एरियाज़ को डिवाइड किया उसमें अलग अलग उन्होंने नाम दिए जैसे राष्ट्र देश विषय ग्रामाज ईच ऑफ़ दिस यूनिट वॉज प्लेसड अंडर द चार्ज ऑफ एक्सपीरियंसड ऑफिशियल और जितने भी ये यूनिट्स बनाए उनके लिए प्रॉपर एक्सपीरियंस्डि ऑफिशियल ना ऑफिसर्स जो थे वहाँ पर अपॉइंट कर दिए उनके इंचार्ज ताकि जो भी टैक्स कलेक्ट करना है या जो भी वहाँ की जो बात होगी प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो वो इंचार्ज जो है उस एरिया के वो टेक केयर करेंगे तो इस तरीके से जो कनिष्का का रूल था वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था थर्ड पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स यानी पावर्स को बांट देना डिवाइड कर देना दिस हेल्प द कुशान रूलर्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली कुशान रूलर्स जितने भी आए उन्होंने अपने पास पावर ना रखकर पावर जो थी जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स थे उनमें डिवाइड कर दिया ताकि वो अपने एरिया को प्रॉपरली मैनेज कर सके जो अब इम्पोर्टेंट प्रोविसेज जो उनके अंदर आती थी एम्पायर के वो थी अफगानिस्तान सिंध पंजाब कश्मीर एंड मथुरा फोर्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द साका कैलेंडर बाय कनिष्का ये जो साका कैलेंडर था ये कनिष्का रूलर ने 78 एडी में इंट्रोड्यूस uh, किया था दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ ऑफिशियल कैलेंडर बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसी कैलेंडर को यूज़ करती है जो कनिष्का ने उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया था फिफ्थ पॉइंट है थ्यूरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप ये एक थ्यूरी थी जिसके अंदर ये लिखा गया था कि किंग के पास ना गॉडली राइट्स हैं मतलब भगवान के दिए हुए राइट्स हैं जनता के लिए कानून बनाने के लिए कि भगवान ने ही किंग को चूज़ किया है जनता के लिए तो ये थ्यूरी जो थी सबसे पहले जिन्होंने अडॉप्ट की थी वो कुशान रूलर्स थे ऑल दो दे बिलीव इन डिवाइड राइट ऑफ रूलर्स कि वो बिलीव करते थे कि जितने भी पावर वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भगवान ने उन्हें दी है इसी लिए लोगों को उनके रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे येट दे नेवर फो गेट टू वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ देयर सब्जेक्ट बट इसका मतलब ये नहीं वो लोगों को एक्सप्लॉयट करते थे वो पूरी कोशिश करते थे जितना हो सके लोगों के भले के लिए पॉलिसीज आ सके जो भी उनकी टेरिटरी के अंदर कोई रिसोर्स हैं प्रॉपर्टी है लोग हैं वो सबके भले के लिए जो है रूल्स और पॉलिसीज निकाला करते थे लेट्स डिस्कस रिलीजियस इम्पैक्ट फर्स्ट है बुद्धिज्म एज स्टेट रिलीजन की बहुत सारे मेजॉरिटी में लोग जो थे वो बुद्धिज्म रिलीजन को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था सैकेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विहाराज एंड मोनेस्ट्रीज जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं जो प्रीचर्स होते हैं जो बुद्धिस्ट रिलिजन को टीच करते हैं उनके लिए रहने के लिए और स्टे करने के लिए उन्होंने विहाराज और मोनेस्ट्रीज बना दी थी ताकि वो जब भी लोगों को टीच करने जाएंगे वो एक जगह पर नहीं रहते वो मूव करते रहते हैं कंट्री में तो उनके लिए विहाराज और मोनेस्ट्रीज बनाई थी किंग्स ने थर्ड रॉयल पैटर्नेस टू बुद्धिज़म जो बहुत सारे पैसे डोनेशन और मदद जो थी वो दी थी बुद्धिज्म रिलिजन को किंग्स ने फोर्थ कन्वेइंग फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर जो चौथी काउंसिल करवाई थी ना वो uh, कुशान रूलर्स ने करवाई थी कश्मीर के अंदर फिफ्थ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज सॉरी बुद्धस्ट मिशनरीज एंड स्कॉलर्स टू फॉरेन कंट्रीज उसके अलावा बुद्धिस्ट रिलीजन को आ, और स्प्रेड करने के लिए इंडिया से मिशनरीज स्कॉलर्स टीचर्स को भेजा गया था फॉरेन कंट्रीज़ में ताकि वो लोग जाकर उन कंट्रीज में भी बुद्धिस्ट रिलीजन की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को बताएं सिक्स प्रोपिगेशन ऑफ बुद्धिज्म थ्रू कॉइंस कॉइंस पे भी जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उससे रिलेटेड सिम्बल्स मैसेजेस जो थे उस टाइम पर लिखवाए गए थे डिस्कस इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिलेटेड टू मनी और इनकम क्या uh, जो चीज़ें थी सोसाइटी में कैसी कंडीशंस थी लोगों की ड्यूरिंग द कुशान पीरियड फॉरेन एज वेल एज इनलैंड ट्रेड वाज प्रॉस्पेरस कंट्री के अंदर और कंट्री से जो बाहर सामान जा रहा था फॉरेन ट्रेड हो रहा था वो बहुत अच्छा हो रहा था उस टाइम पे लोग जो थे काफ़ी प्रॉस्पेरस थे उनके पास काफ़ी इनकम अच्छी थी द स्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे बन रहे थे उस टाइम पर एब्सेंस ऑफ फॉरन इन्वेजन ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी उस टाइम पर कोई भी फॉरन अटैक्स नहीं होते थे मीन्स फॉरन रूलर्स जो थे वो इंडिया टैग नहीं करते थे जिसकी वजह से लोग बहुत हैप्पीली रहते थे लोग जो थे अपने काम पे फोकस थे ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था कम्युनिटीज वर सेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर टू फॉरेन कंट्रीज़ अलग अलग तरीके का सामान जो था इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता था ट्रेड पर्पस के लिए इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद चाइनीज चाइनीज़ के साथ भी हमारा ट्रेड रिलेशन था उस टाइम पे द पेरिप्लस ऑफ द सी ये एक बुक थी जो यूरोपियन बुक थी जिसको ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था इसके अंदर ना इंडिया का ट्रेड और कमर्स कैसा था फॉरेन कंट्रीज के साथ स्पेसिफिकली खुशान एम्पायर के दौरान ये उस बुक में डिटेल में लिखा गया है तो वहां से में पता लगता है कि उस टाइम पे इंडिया बहुत डेवलप कर रहा था उसका जो ट्रेड सिस्टम था काफी अच्छा था नाउ एंड में कंक्लूजन फोर टू फाइव लाइन्स एंड कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट सो आपने यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख देनी है अदरवाइज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि कुशां जो है उन्होंने इंडिया पर दो साल राज किया है उस टाइम पर इंडिया का जो आर्ट मेडिकल स्टडीज और कंस्ट्रक्शन जो था वो काफी डेवलप किया गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो कुशांस का गिफ्ट था ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करने ही वाले हैं कि ये क्या चीज़ है गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट ये कुशांस नहीं उनके टाइम पीरियड पे ही बना था और उसके अलावा बुद्धिज्म रिलीजन जो था वो इंडिया में बहुत स्प्रेड हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुशान एम्पायर था उस टाइम पर लोग जो थे काफ़ी प्रॉस्प्रेस हैप्पी और सिंपल लाइफ जिया करते थे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि वही मेरे लिए एक फीडबैक है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट टू दिस वीडियो और योर सिलेबस प्लीज कमेंट बिलो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम ऑल द बेस्ट अचीवर्स हैव अ नाइस डे